हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन इन पाइथन। पाइथन हैज एन इनपुट फंक्शन विच टेल्स यू आस्क ए यूजर फॉर सम टेक्स्ट इनपुट। पाइथन में इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से एक इनपुट मांगता है, यानी कि इनपुट इंटर करने के लिए कहता है। जो इनपुट हम कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम को दे सकते हैं एट द रन टाइम। You call this function to tell the program to stop and wait. Means जब हम इस function का प्रयोग करेंगे तो run time में अपना program रुक जाएगा और wait करेगा for the user to key in the data को input होने का। और जब हम कोई input keyboard से type करते हैं तो वह input value हमारे program में जाकर के उस particular variable को assign हो जाता है। In Python 2, पाइथन के कई वर्जन है, तो यहाँ पे पाइथन 2 की बात हो रही है। यू हैव ए बिल्ट इन फंक्शन रा इनपुट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि पाइथन 2 और 2 से पहले ये फंक्शन यूज हुआ था, और उसके बाद पाइथन 3 या उसके लेटेस्ट वर्जन में ये फंक्शन आपका पर्टिकुलरली वर्क नहीं करेगा। वेयर एज इन पाइथन 3 यू हैव इनपुट। इनपुट फंक्शन का हम प्रयोग करते हैं पाइथन 3 और लेटर वर्जन में, जबकि पाइथन 2 और उसके प्रीवियस वर्जन में रा इनपुट फंक्शन भी वर्क करता था। इस फंक्शन का अगर हम सिंटैक्स देखें तो वेरिएबल इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में एंगल ब्रैकेट प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्ले ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स यहां ध्यान देना ये है कि ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल, यानी कि एंगल ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट में जो भी सिंबल हम लगाते हैं वो कंपलसरी होता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम सिंबल यूज करेंगे वो ऑप्शनल होता है। तो यहां पर आप कोई इनपुट के साथ इस तरह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। वही रा इनपुट के सिंटेक्स में देखेंगे तो वेरिएबल इक्वल टू रा इनपुट प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। एग्जाम्पल देखते हैं, नम इक्वल टू इनपुट इंटर ए नंबर। यहां पर इंटर ए नंबर एक ऐसा मैसेज है जो आपके रन टाइम प्रोग्राम के रन टाइम में आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमको क्या इनपुट करना है। अब इंटर ए नंबर, दिस मीन्स यू हैव टू इंटर ए नंबर। और जैसे ही आप कीबोर्ड का कोई बटन दबाते हैं, नंबर टाइप करते हैं, तो वह नंबर जाकर के NUM नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। एंड सेम वे विथ रा इनपुट फंक्शन इंटर नेम, और जब आप कीबोर्ड से कोई नेम इनपुट करते हैं तो वह नाम नेम नाम के वेरिएबल में नाम जाकर के स्टोर हो जाता है। अब जैसे यहां पर रा इनपुट है, इसी तरह से इनपुट फंक्शन हो सकता है इनपुट नेम, तो नेम आप इंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई भी इनपुट फंक्शन हमेशा एक वैल्यू जो रिटर्न करता है वह स्ट्रिंग टाइप का होता है। मीन्स कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वह एज ए स्ट्रिंग ही इनपुट होगा। दिस फंक्शन द फंक्शन आई एन टी एंड फ्लोट आर यूज्ड विथ इनपुट फंक्शन टू कन्वर्ट द वैल्यूज रिसीव थ्रू कीबोर्ड इनटू इंटीजर एंड फ्लोट रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स जब भी हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो वह स्ट्रिंग ही होता है पाइथन में डेफिनेटली, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं वो हमारा वैल्यू इनपुट किया हुआ वैल्यू इंटीजर या फ्लोट में होना चाहिए, देन आप इस दो फंक्शन का प्रयोग करेंगे जिसमें से पहला फंक्शन है आईएनटी और दूसरा फंक्शन है फ्लोट। जब आप सिंटेक्स देखेंगे तो यहां पर लिखा है वेरिएबल इक्वल टू आईएनटी, ध्यान देंगे आईएनटी देन ब्रैकेट में इनपुट देन पूरा इनपुट का सिंटेक्स। उसी प्रकार से एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, वाई इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर योर रोल नंबर। स्टूडेंट्स हमने कहा कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, तो जैसे ही आप इनपुट रोल नंबर इनपुट करेंगे तो वह एज ए स्ट्रिंग देगा, और अगर हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया तो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, और जब भी आप उस पर कोई कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल ऑपरेशन करना चाहेंगे तो वहां पर एरर होगा और वो आपका डाटा सही नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर ये आई एन टी फंक्शन उसको वाई में स्टोर करेगा एज ए इंटीजर वैल्यू। तो स्टूडेंट ये आपका इनपुट और इनपुट फंक्शन। थैंक यू।